सभी को नमस्कार। आज इस प्रांगण में 30 साल की जर्नी करने के बाद ये मंच मिला है मुझे। जब पहले आया था तो जवान था, यंग था, अभी सीनियर सिटीजन हूं, 65 साल उम्र है। और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता है और मैं खजुराहो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मुझे मंच प्रदान किया। और ये प्रॉमिस लेता हूं कि अगर जिंदगी रही तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। प्रस्तुत है ताल तीन ताल। ये मंच और भी मेरे लिए बहुत भाग्यवान है कि हमारे बड़े बड़े गुरु उस्ताद पंडित इस मंच पे अपना प्रदर्शन दे चुके हैं और उसी मंच पे आज मुझे सौभाग्य मिला है। मैं उन गुरुओं से माफी मांगता हूँ, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करेंगे। प्रस्तुत है ताल तीन ताल। तीन ताल के लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है कि यहाँ पे बहुत से कलाकार भी हैं। तीन ताल तालों का राजा माना गया है। करत कथा कहे से तो कथिक कहलावे, कथा कहे सो कथिक कहलावे, ता और थे सब गुणी जने नाचे, चार चार पर अंग बनावे, सोलह कला संपूर्ण दिखावे, जय 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 तेरी ताल, जय 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 तेरी ताल, जय 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 तेरी ताल। सोलह मात्रे की तीन ताल। शुरू में कुछ उपज, ये कार्यक्रम फिक्स नहीं है, रिहर्सल नहीं है। कल रात में 8:30 बजे कमर तोड़ते हुए आए हैं रोड में और आज आपके सामने है। तो आशीर्वाद दीजिए, आनंद लीजिए। ताल तीन ताल। धन्यवाद। ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए तो और भी आनंद आएगा।
मैंने पहले ही कहा था कोई तैयारी नहीं है। नृत्य और तबले का बहुत साथ है, तो मुझे इनको लेके चलना है और ये मुझे लेके चलेंगे। इसी खुशी में एक छोटी सी जुगलबंदी। कथक एक बहुत प्यार की भाषा है, धड़ाम धुरुम कूद बटक वो कथक नहीं है। इस बिना खड़े होने का अंदाज, लखनऊ घराने की खासियत, मेरे पिता की पहली तालीम का कुछ अंश। आज मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मुझे आज एक सज्जन मिले, मैं उनको चाचा ही बोलूंगा अब, कि जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है और गोद में खिलाया है और आज वो यहाँ विराजमान हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को देखा है और मुझे देख रहे, मेरे अंदर से हालत सोच सकते हैं अब की क्या होगी, तो आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियंस पे लाइट दे दीजिए प्लीज। अब मैं चुनिंदा चीजें पैर से ता थे थे तर आ थे ता, इसी को मैंने गोपी कृष्ण जी को देखा था, आईब्रो से तत्कार, एक से अटगुन तक की तत्काल। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का फोकस मेरे यहां पे हो।
देश में भी इस लड़ी को हर इंसान करता है और ये मेरे बड़े भाई बिरजू महाराज जी की रचना है।